और यहाँ पे उस टाइम ना सिर्फ एसटीडी होती थी, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे यहाँ पे आके एसटीडी पे लाइन लगा के फिर कॉलिंग वगैरह करते थे। तो हम भी गए थे, हम भी वहाँ पे लाइन में लगे। आपका मतलब सिस्टम क्या है यार पानी जमा करने का? यही दरिया है जो आगे जाके चिनाब बनता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है ये भी मैं आपको बता दूँ। कैसा मजा है यहाँ पे, हमें इससे ज्यादा आया, इतना मजा हमें आया इतना कहीं भी नहीं। यहाँ पे ये क्या पता इन्होंने क्या किया, इनको इतना नहीं हमें हमें यहाँ आया ज्यादा। मौसम के कहने की कोई बात नहीं है। वाह वाह वाह, देखो मौसम के नज़ारे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कुछ इस तरह की जगह से। तो फाइनली हम वाडवान पहुँच गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो आज हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं और हमने जो हमारी जो टॉक है ना वो इस साइड में, भाई ये पूरी पहाड़ चढ़ के जाना है तो उसके लिए हमें 3 घंटे चाहिए और आज हम लेट हो गए हुए हैं। तो आज हमारा प्लान यही कि हम यहाँ पे करेंगे स्टे, नाइट स्टे, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और उसके बाद कल हमने जाना है भाई इस रास्ते से होके। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रास्ता है, लंबा रास्ता है, वो कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे कैंपिंग, पर यहाँ पे हो रही है बारिश। तो क्या कहना है आपका, कैंपिंग करनी नहीं? हाँ करनी है, क्यों नहीं जरूर करनी है भाई, कैंपिंग तो जरूर करेंगे मेरे भाई। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे टेंट लगे हैं, आप यहाँ पे आके, मतलब अपने टेंट नहीं है लोगों के, तो ये मतलब होम स्टे टाइप बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे आके रह सकते हो किराए पे। तो पर हम तो अपना टेंट लेके आए हुए हैं, तो जो हमारे साथ जाते हैं वो बोल रहे कैंपिंग वगैरह नहीं करेंगे, पर हम उन्हें थोड़ा से मना लेंगे भाई। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो हम यहाँ पे टेंट लगाने वाले हैं और हमारे साथ एक धोखा हो गया, धोखा ये जो हमारे चाचे हैं दोनों, ये यहाँ से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो आप यहाँ से? यहाँ हमको जी लगता नहीं। अच्छा, हम रात को मकान में रहेंगे। अच्छा, आराम से रहेंगे, सर्दी में हमारा जी नहीं कहता। नहीं नहीं सर्दी नहीं लगने देंगे, हमारे पास इंतजाम है इंशाल्लाह। अच्छा, तो पर ये जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनके दोस्त हैं, मतलब आपको पता है यहाँ पे इन्होंने उम्र काटी है, मतलब बचपन यहाँ काटा है। हाँ, तो अब यहाँ पे इनके दोस्त हैं, ये बोल रहे हैं हम उन्हीं के पास जाएंगे रात को। तो हम जी और यूनस हम तीनों यहीं रहेंगे। तो जल्दी से हम लगाते हैं टेंट और उसके बाद खाना वाना भी बनाना है, बड़ा सिस्टम है भाई। तो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। टेंट लग के हो चुके हैं तैयार, ये चेक करो भाई, ये देख रहे हो टेंट लग गए हैं दोनों। और यहाँ पे अपनी गाड़ी, तो जो चाचा हैं दोनों वो चला गए हैं, पापा और यूनुस तीन ही हैं हम यहाँ पे। तो ये चेक करो, बनाने की तैयारी कर दी शुरू। तो पापा को अंदर बिठा दिया, मैं एक मिनट आपको अंदर से दिखा देता हूँ। कैसा मजा है? अच्छा ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बढ़िया। ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं नहीं गर्मी है। ठीक है ठीक है। तो ये कुछ नज़ारे हैं भाई, मौसम का यहाँ का कोई पता नहीं चलता भाई। 2 मिनट बारिश गिरती है, 2 मिनट मतलब धूप आ जाती है, देख रहे हो वो उन जगहों पे, देखो आप धूप। और इस जगह का नाम है जो पीछे, इस जगह का नाम है हाप्ती। और मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम आए थे 2017 में आया हुआ था मैं, अगर मेरे पास फ़ोटो है मैं बता दूँगा फ़ोटो। मतलब ये जो जगह ना, यहाँ पे हम गए थे अपने डॉग में और यहाँ पे भी रुके, और वो जो सामने जगह ना, इस जगह का नाम हाप्ती है। और यहाँ पे उस टाइम ना सिर्फ एसटीडी होती थी, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सारे यहाँ पे आके एसटीडी पे लाइन लगा के फिर कॉलिंग वगैरह करते थे। तो हम भी गए थे, हम भी वहाँ पे लाइन में लगे, और जैसे ही हमारा नंबर आया कॉल करने के लिए तो उस टाइम कनेक्शन ही कट हो गए। तो खैर फिर उसके बाद हम दूसरे दिन ही चला गए थे वापस। तो ये यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, 2 मिनट बारिश गिरती है और उसके बाद अच्छा मौसम हो जाता है। यहाँ पे और भी लोग टेंट वगैरह लगा के हैं उस साइड में। तो ये चेक करो यार, यहाँ पे अपने टेंट हैं, यहाँ पे गाड़ी है, और क्या चाहिए यार आपको ज़िंदगी में। अगर आपने ये नज़ारे नहीं लिए ना भाई साहब, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये चेक करो लोगो बिलाल अवान का, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस अब खाना वाना बनाना है, हवा थोड़ी सी चल रही है उसका थोड़ा सा करना पड़ेगा। और शुक्र है हम ना गैस लेके आया था, हमने पहले सोचा था कि लकड़ी पे ही बनाएंगे, पर यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है तो बन जाती है लकड़ी पे भी, पर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और साथ में हम लकड़ी वगैरह के लिए कुल्हाड़ी लेना भूल गए, माइंड से स्किप हो, क्योंकि अचानक जो प्लान बनता है ना उसका यही होता है भाई। तो ये चेक करो, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। ये ज़िंदगी की फर्स्ट कैंपिंग है मेरी, मतलब घर वालों के साथ, पापा के साथ। तो घर वालों के साथ भी भाई निकलना चाहिए कहीं पे। और इतना मज़ा आया ना, मतलब जो हमारे चाचा है ना उन्होंने पूरी पुरानी कहानियाँ सुना रहे थे रास्ते में, हमने म्यूज़िक मतलब टोटल 10 मिनट लगाया होगा, मतलब लगाया ही नहीं समझो, इतना मज़ा आया हमें। तो जल्दी से खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। बस भाई सब्ज़ी बनाने लगे और यहाँ पर मिले नन्हे मन्ने बच्चे, हाय करो सारे।
ऐसे करो हाय, इनको बोलो कैसे हो आप। ये यहाँ पे मतलब हम कैंपिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो बड़े अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, मजे से कर रहे हैं। पढ़ते हो सारे? सारे पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़ो, पढ़ना जरूर, ठीक है। गाइस अभी आ गए थे पानी लेने और हमारे साथ एक नया दोस्त बना है आसिफ। कैसे हो? ठीक हो? तो यहाँ से पानी लेना है हमने, ठीक है। तो हमारी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, तो पानी यहाँ से भरेंगे हम। और ये चेक करो यहाँ का मतलब सिस्टम क्या है यार पानी जमा करने का, क्योंकि नहीं, अगर ये नहीं होता तो पानी नीचे मतलब दीवार में से आता। तो अभी यहाँ से पानी भरते हैं और लेके जा रहे। जो मौसम है बदलता जा गया है, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड अब नहीं लग रही, जैकेट लगा ली हुई है, तो धूप जो है वो बिल्कुल डल गई है। शाम का टाइम है, तो यहाँ पे पीछे ना भैया थे, उन्होंने पहले उस साइड कैंप किया हुआ था, तो फिर यहाँ पे आगे गाड़ियों के पास, बाइकों के पास, क्योंकि ना उनको एक तो सुबह जल्दी निकलना था और यहाँ पे छेड़खानी कर रहे थे बच्चे, तो उन्होंने सोचा क्या नुकसान कर जाएंगे, क्या फ़ायदा, डर रहता है इंसान जब भी दूसरी जगह जाता है। तो अभी चाय बना रहा है यूनुस, सब्जी बना दी हुई है, ये तेरे उसे तेरे मंचन है, मंचन क्या है जिम कुछ है, जिम से भी है, ये है जो कि फ्रेंड, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इतनी प्यारी है, उधर से आके सलाम किया इसने, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार यहाँ। तो खाना वाना तैयार हो चुका है, सारी मेहनत है भाई यूनुस भाई की, मतलब बहुत मेहनत कर रहा है लड़का। तो एक तो हमारे प्रेशर ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, उसकी सीटी नहीं लग रही थी, तो सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी ये चेक करो यार, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो अब जी भी हैं, अब खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, बैठेंगे सोएंगे वो बात की बात है। बाकी जो जो यहाँ पे मज़ा है ना खाना खाने का, मतलब इन ये पानी का शोर है जो, और यहाँ पे टेंट में इसका फील ही अलग है। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। ठीक, ठंड तो नहीं लगी? नहीं तो। खाना खाने के बाद आ चुके थे हम, एक और ग्रुप है यहाँ पे, ये भैया और ये श्रीनगर से आए हुए हैं सारे। तो ये इनका, ये इनके सर हैं, प्रोफेसर हैं, और ये पूरे स्टूडेंट इनके साथ आए हुए घूमने। तो कैसा मज़ा आया आपको यहाँ पे? अभी तक तो बहुत बढ़िया, घूमने नहीं आए, हमने सर्वे। अच्छा, सर्वे भी आए हो? ठीक, सॉरी मुझे पता नहीं था। ठीक, तो कैसी लगी आपको वार्ड वन वैली? पहले आए हो आप? ठीक, मतलब बहुत प्यारी जगह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुकून है। अभी उतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है ना, जहाँ पे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे फिर यहाँ वो वाला मज़ा नहीं रहेगा। हाँ, इस चीज़ से थोड़ा है, अभी सुकून है यहाँ पे। तो भाई हाँ, सुकून तो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने आग वगैरह जला के रखी थी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का कोई अपना तो ज़रिया नहीं है, पर गाँव से लानी पड़ती है। तो बाकी ये अपने यूनुस भाई हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव है? हाँ, नहीं देखो, हाँ नहीं, और एक चीज़ और भी है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम टीचर्स के साथ या घर के साथ जाएंगे, घर वालों के साथ, तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, हम आ जाएं अपने चाचा और पापा के साथ, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतने फ्रेंड्स के साथ नहीं आया, इन्होंने पुरानी कहानियाँ सुनाई, हमें बहुत मज़ा आया। तो ये चीज़ है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है जिस चीज़ के बारे में आपको कभी पता नहीं चला है। तो इस हिसाब से सबके साथ घूमना चाहिए, निकलना चाहिए घर से बाहर। हाँ, यहाँ के लोग। हाँ, एक चीज़ मैंने, हाँ बोले बोले, हाँ वो मैंने देखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाह सर, ये क्या था, बोतल थी मुझे लगी, ये ना ये बोतल थी ना न्यू वाली, ये लगा हुआ था ढक्कन। मिलते हैं सुबह? हाँ सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत, हमें भी बहुत अच्छे मिले, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे मतलब हमने लगभग भी एक घंटा खड़े खड़े ही बातें की, बहुत मज़ा आया यासिर भाई, क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा ट्रैक वगैरह करते हैं,
तो हमने भी बहुत ज़्यादा सीखा इनसे। तो बाकी अभी चलते हैं, सोते हैं, गाड़ी अपनी यहाँ लगी है तो गाड़ी अभी गाड़ी को इधर ही छोड़ते हैं, गाड़ी तो लगा कर सोते हैं जाके और देखते हैं क्या। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रात को इतनी मस्त नींद आई ना, क्या बताएं। हाँ जी, कैसी नींद आई रात को? रात को बहुत आराम से सोया, इतनी नींद आई, घर में भी नहीं इतनी आई, दरिया का शोर था। मौसम दिखाओ। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम की कहने की कोई बात नहीं है। वाह वाह वाह, देखो मौसम के नज़ारे, धूप चढ़ गई, चढ़ दी कला, चढ़ दिया कला, धूप का तो कोई कहना नहीं है। लो ये है कुछ सुबह के नज़ारे यहाँ के, ये चेक करो, मतलब नींद जो ना एकदम मस्त वाली नींद आई है यहाँ पे अपने टेंट से। और ये देखो अपनी गाड़ी, तो ये देखो शबनम काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। कैसा एक्सपीरियंस है यार? मैं क्या बताऊँ यार, मैं जैसे जाके अंदर पड़ा जाके बैठा वैसे मुझे नींद आ गई। ये हो नहीं सकता क्योंकि मुझे घर पे यार इतनी जल्दी नींद आती नहीं है यार। ये बात सही है क्योंकि घर में इंसान रात को मतलब नींद के लिए बहुत कोशिश करता है। तो हम लगभग किसी दिन एक बजे तक दो बजे तक तो बहुत मुश्किल से नींद आती है। चेक करें, छोटे सा दरिया है तो ये क्रॉस करके आगे जाते हैं और आगे जो मेन बड़ा दरिया है ना वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए भाई, ये है यहाँ का मेन जो बड़ा दरिया है, यही है। और सामने से धूप जो पड़ रही है ना इस पर और भी मतलब ऐसे शाइनिंग सा हो रहा है, आँखों में पड़ रही है सीधी लाइट। तो इसके बारे में मैं बता दूँ, ये कौन सा दरिया है, यही दरिया है जो आगे जाके चिनाब बनता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये तिब्बत से ओरिजिन होता है और ये इस साइड के एरिया से आता है और फिर आता है ये किश्तवाड़ में जाके दूसरे एक और दरिया है उसके साथ मिलते हैं और ये फिर बहुत बड़ा दरिया बन जाता है और इसको हम चिनाब कहलाते हैं। तो ये है भाई चिनाब की ओरिजिन, देख रहे हो, मतलब इसी यहाँ से होके जाता है चिनाब। यहाँ पे तो उतना ज़्यादा पानी है नहीं है, तो बाकी आगे जाके बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो टाइम है चाय पीने का और अपने जो चाचा हैं वापस आ गए। तो कहाँ थे आप रात को गायब हुए? पकड़ मैं यहाँ था, एक तो इधर हमारा गाँव एक है। अच्छा, इसमें कश्मीरी रहते हैं, पुराने दोस्त आपके? हाँ, एक कश्मीरी दोस्त हमारा था, उसके लड़के ने, वो आप तो बहुत हो गया। अच्छा अच्छा, उसका लड़के थे चार, उस लड़के ने बहुत सेवा की रात को। अच्छा, मुर्गा बनाया, हर चीज बनाई, हर। अच्छा ठीक है, पापा से पूछते हैं कि इनको कैसा मजा आया यहाँ पे। हमें फिर से ज्यादा आया, इतना मजा हमें आया इतना कहीं भी नहीं यहाँ पे। ये क्या पता इन्होंने क्या किया, इनको इतना नहीं हमें यहाँ आया, ज्यादा मजा आया हमें। तो अब हमने ना यहाँ ऊपर जाना है, देख रहे हो पूरा इसके ऊपर, वहाँ से आगे से घूम के। तो इन्होंने अपने लिए घोड़े मंगा दिए क्योंकि जब घर से निकले थे इन्होंने ऐसे कॉल कर दी थी और चाचा जी को तो कि हम आ रहे हैं, तो उसने रात को ही यहाँ पे नीचे घोड़े भेज दिए हुए हैं। तो अभी वो थोड़े टाइम में आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह करते हैं, गाड़ी लगाते हैं यहीं पर और उसके बाद निकलते हैं ऊपर वाली साइड। तो फिलहाल यहाँ के आप सीन्स इन्जॉय करो।